एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सभी को पहले हैप्पी भाई दूज, सभी को भाई दूज की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। तो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं पिस्ता रोल, और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। घर में बना सकते हैं आप बिना गैस जलाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि जो नारियल का सूखा हुआ बुरादा होता है वो ही लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक कप ले लिया है इसको। अब हम लेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। ये आप इसे मिक्सी में डाल करके पीस सकते हैं, चीनी को ही पाउडर बन जाएगा। तो अब हम लेंगे यहाँ पे डेढ़ कप मिल्क पाउडर, और इतना ही मेजरमेंट हमको लेना है, और इससे जो हमारी मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने करीब 3 चम्मच घी ऐड किया है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। तो जब घी ऐड कर लेंगे तो हम इसके बाद इसमें पिस्ता एसेंस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिस्ते का एसेंस ऐड किया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट पिस्ता इसमें नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 2 से 3 ड्रॉप पिस्ता एसेंस ले लिया है, इसको ऐड कर देंगे, इसमें बिल्कुल पिस्ता वाला फ्लेवर आएगा। अब हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे पिस्ता का कलर देने के लिए। तो यहाँ भी मैंने इसे 2 से 3 ड्रॉप ले लिया है और इसे ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारे जो कलर हैं, एसेंस हैं और सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हम मिक्स करेंगे इसको दूध की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध लिया है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जितने की आपको ज़रूरत है उतना दूध इसमें ऐड कीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है, वो अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसे हाथों की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, उससे क्या ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसे प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा जो फूड कलर है और जो एसेंस है वो बहुत अच्छे से मिल चुका है, यानी कि हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। अब इसे साइड रख देंगे। अब हमें चाहिए एक शीट, आप कोई भी शीट ले सकते हैं, आप प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं या नॉर्मल कोई भी पॉलीथिन ले सकते हैं। तो अब हमने जो डो रखा है इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के प्रिपेयर कर लेंगे, यानी कि तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाने हैं, ताकि जब हम इसका रोल बनाएं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन जाए। तो लीजिए, हमने इसके जो बॉल है वो बना करके तैयार कर ली है। हाथों में थोड़ा सा घी ले लीजिए और अच्छे से इसको रोल करेंगे। तो लीजिए, हमने सबको साइड रख दिया है, और इस तरीके से इसे गोल गोल घुमा देंगे, ताकि इसका जो शेप है वो बहुत प्यारा आए। तो पहले हम इसे अच्छे से इस तरीके से रोल करेंगे। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको इसी तरीके से रोल करना है। इससे क्या है ना, आपकी मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, बिल्कुल गोल शेप आएगा जैसा आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक रोल बन करके तैयार हो चुका है। ऐसा ही हमें सेम दोबारा से बनाना है। तो पहले आप हाथों को इस तरीके से मसल दीजिए उसको, और फिर इस तरीके से रोल कर लीजिए। तो इसका जो शेप है वो बहुत अच्छा आएगा, और जितना आपको चाहिए उतना ही बनेगा। तो हमने बना करके तैयार कर लिए हैं सारे रोल्स। अब हम देखेंगे इसको शेप देने के लिए। तो पहले हम इसके साइड कॉर्नर्स को कट कर लेंगे, ताकि जिसकी जो शेप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आए। तो मैंने इसके साइड कॉर्नर्स को कट कर लिया है। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। जितने बड़े पीसेस आपको चाहिए आप उतने बड़े पीसेस इसके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बराबर पीसेस में इसको कट कर लिया है। तो अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे सिल्वर बर्क के साथ में, यानी कि जो चांदी का बर्क होता है उसके साथ। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है, और साथ ही दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो लीजिए, हमने इसको चांदी के बर्क के साथ अच्छे से गार्निश कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। हमारी मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो आप इसे बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे एक बार प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई यहाँ पे बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्यारी शेप में कट हुई है, और ऊपर से सिल्वर बर्क के साथ ही और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो गाइज, बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। साथ में वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, उससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हैप्पी भाई दूज।